अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। आज जो है हमने अपना चैप्टर नंबर 8 जो है वो स्टार्ट करना है, वो हमारी पोएम है। तो पोएम का नाम है द रेनबो और जो है इसकी पोएटस है उसका नाम है क्रिस्टियाना रोजेटी। ठीक है, तो अब जो है हम अपने फर्स्ट स्टैंजा की तरफ चलते हैं। बोट सेल ऑन द रिवर्स, दरियाओं में कश्तियाँ तैरती हैं। एंड शिप्स सेल ऑन द सीज, और जहाज समुद्रों में तैरते हैं। बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई, मगर बादल जो आसमान पर तैरते हैं, आर प्रीटियर फार देन दीज, इनसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत हैं। देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स, दरियाओं पर पुल होते हैं। एज प्रीटी एज यू प्लीज, जितने आप चाहें इतने खूबसूरत। बट द बोट दैट ब्रिजेस हेवन, मगर जो कोस आसमान पर पुल बांधती है। एंड ओवर लुक्स द ट्रीज, और दरख्तों के ऊपर से झांकती है। एंड बिल्ड अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, और ज़मीन से आसमान तक सड़क बनाती है। इस प्रीटियर फार देन दीज, इनसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। अच्छा, इसमें जो है ना धनक की बात हो रही है कि जब जो है रेनबो यानी धनक निकल मतलब ज़मीन से जो है वो आसमान की तरफ जो है जाती है, तो वो बड़ी एक वो पुल जो है ना वो बहुत खूबसूरत सा होता है। एक मतलब वो ऐसे सेमी सर्कल बनता है, तो वो एक किस्म का ना वो पुल ही लगता है, तो वो बड़ा खूबसूरत होता है। और जो है रेनबो तो वैसे भी बहुत प्यारी होती है, और जो है वो फिर खूबसूरत पुल की मानी जाए, रेनबो की यहाँ तारीफ की जाती है कि चाहे पुलों की जितनी भी तारीफ की जाए, लेकिन जो खूबसूरती रेनबो की है ना वो पुलों से भी बढ़ के है। इसी तरह जो उसने फर्स्ट स्टैंजा में कहा है, जो कश्तियाँ हैं वो दरियाओं में तैरती हैं, और जो है जहाज समुद्रों में, लेकिन वो जब तैर रहे होते हैं तो वो इतने खूबसूरत नहीं लग रहे होते जितने जो आसमान में बादल होते हैं वो। और फिर सेकंड स्टैंजा में उन्होंने ये कहा है कि ब्रिजेस जो होते हैं, पुल जो होते हैं, वो भले ही खूबसूरत हों, लेकिन जो रेनबो पुल बनाती है उससे खूबसूरत जो है वो कोई चीज़ नहीं होती। ये जो पुल होते हैं वो भी उसके सामने मानद पड़ जाते हैं उसकी रेनबो की खूबसूरती की वजह से। बोट सेल ऑन द रिवर्स एंड शिप्स सेल ऑन द सीज, बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई आर प्रीटियर फार देन दीज। देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स एज प्रीटी एज यू प्लीज, बट द पो दैट ब्रिजेस हेवन एंड ओवरलुक्स द ट्रीज and builds a road from earth to sky is prettier far than these. Boats, kashtiyan, sail, tairna, river, darya, ship, jahaz, sea, samundar, clouds, badal, across, par ya paar, sky, aasman, bridge, pull, pretty, khubsurat, please, khush karna, bo, kos, हेवन आसमान जन्नत, ओवर ऊपर से देखती, बिल्ड तामीर करती बनाती, अर्थ ज़मीन, ब्रिज कनेक्शन, ओवर पास स्ट्रक्चर, अक्रॉस रिवर, अर्थ प्लैनेट, वेल ग्लोब, हेवन प्लेयर, पैराडाइज स्काई, प्लीज टू गिव प्लेयर किल वो, प्रीटियर फॉक्सी क्यूट मोस्ट ब्यूटिफुल, रेनबो अ बो ऑफ कलर्स, बबल फैंसी, सेल फ्लोट, वॉयज टू मूव अक्रॉस वाटर। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द टाइटल ऑफ द पोएम एंड टेल व्हाट द पोएम इज अबाउट। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी कलर्स डू यू फाइंड इन रेनबो। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट टू थिंग्स आर कंपेयर्ड इन द फर्स्ट स्टैंजा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट टू थिंग्स आर कंपेयर्ड इन द सेकंड स्टैंजा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोएम। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर डू द बोट्स एंड शिप्स सेल। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट सेल अक्रॉस द स्काई। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द ब्रिजेस, व्हाई आर ब्रिजेस मेड ऑन रिवर। क्वेश्चन नंबर 9, हु राइट्स द पोएम। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज प्रीटियर देन क्लाउड। उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी, तो अपने दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।